शामी की तरफ से बहुत तगड़ी खबर आ रही है कि शामी अपना न्यू स्मार्टफोन का लीक कर दिया है और वो स्मार्टफोन का नाम है रेडमी 9। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G70 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन 675 और 710 या 712 इतना पावरफुल प्रोसेसर है। और ये आपको बहुत ही बजट सेगमेंट में, मतलब 8 या 9 हज़ार के बीच में आपको मिल सकता है। इसमें आपको 2 RAM ऑप्शन मिल सकते हैं, 3GB और 4GB। एंड अगर इंटरनल के बारे में बात किया जाए तो 32+64GB के आपको इंटरनल ऑप्शंस, स्टोरेज ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसके स्क्रीन के बारे में बात किया जाए तो आपको 6.6 इंच का एक डॉट नॉच वाला डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि कहा जा रहा है कि ये फुल HD+ डिस्प्ले आपको मिलेगा, क्योंकि शामी कभी भी HD डिस्प्ले या 720p डिस्प्ले नहीं देता है। तो एंड इसके बैटरी के बारे में बात किया जाए तो ऐसा लीक आ रहा है कि 4000 mAh से प्लस ही होगा। एंड इसमें आपको बॉक्स में ये भी हो सकता है कि फास्ट चार्जर मिले या ये भी हो सकता है कि ना मिले। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसके अगर हम कैमरा के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 12 MP का प्राइमरी सेंसर मिल सकता है। अब वो 12 या फिर ये भी हो सकता है कि सोनी IMX का IMX586 वाला सेंसर आपको मिल जाए, जो कि 48 MP पे होने वाला है। आप देखते हैं ये क्या आता है क्या नहीं। तो अगर आपको ये क्विक शॉट वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।